ये के इसमें हरियाणा में नशा ज्यादा हो रहा है, टीके तक लगाने लग गए हैं बच्चे। नशा क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगार है, काम करते हो काबिल हो तो नशे करने का टाइम नहीं लगे तो नशे करते हैं बच्चे। ड्रग्स भी है? ड्रग्स भी है, सुल्फा है, फीम भी है, टिक्के भी हैं जी। पहले ये पंजाब में होता था, पंजाब से भी ज्यादा बढ़ रहा है जी हरियाणा। अब यहाँ ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है पंजाब से भी। सबसे ज्यादा महंगाई की चोट आपको कैसे लगती है जी? हमारे खाने में, पेट्रोल में, कहाँ किस चीज में लगती है? पेट्रोल में भी लग सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हाँ सब कुछ बढ़ता जा रहा है, बच्चों की फीस इतनी है। आप प्राइवेट स्कूल में भेजती हैं? हमारे बच्चे सरकारी में भी पढ़ाए। और कोई बीमार होता है तो प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी में जहाँ जी, सरकारी में ठीक नहीं होते फिर प्राइवेट में भी ले जाए उठा के। मगर आजकल सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट। नशा और ये कैसे खत्म करी जाएगी? रोजगार में लगा जब कम हो करेंगे तो फिर नशा खत्म होगा। मतलब आपको लगता है कि नशा बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है? हाँ जी। मतलब आपको आपको नहीं लगता कि आपको घेरा जा रहा है? अग्निवीर, बेरोजगारी, बेरोजगारी का महंगाई और महंगाई, टमाटर एक्सटोर्शन जी देख लो कुछ भी, किसान के काले कानून, ये सारे के सारे मतलब आपको एक प्रकार से घेरने का काम हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको घेर कर उनका जो पैसा है उनकी जेब से निकालो और अरबपतियों की जेब में डालो। आप स्कूल के लिए पैसा देते हो, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, आपके जेब में से पैसा निकलता ही जाता है, आता नहीं है। सर मेन जो लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो गली में माँ बाप ने खेलने के लिए छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद वो मिले ही नहीं है गली में। बच्चा आपको डर लगता है? डर लगता है। कारण क्या है इसका? बेरोजगारी है या कुछ और कारण? बेरोजगारी है जी, बेरोजगार नहीं है। बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो और क्या करेंगे? नौकरी हथियार नशा है और यो लूटपाट है, यो चल रहा। तो ये जो अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं और फिर इनको ये सेना से निकालेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? पहले क्या होता था कि हमारा किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे के ऊपर लगाता था, पहलवान बनाते थे, उन्हें खिलाते पिलाते 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करते थे। अब कोई नहीं भेज रहा, कहाँ भेजेंगे 4 साल नौकरी करने? बच्चे का फ्यूचर बर्बाद है, आगे क्यों भेजेंगे हम ऐसे रास्ते पर बच्चे को कि जहाँ फ्यूचर ही नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? यार रेसलर है जी। अच्छा, कुश्ती क्यों शुरू की तुमने? मतलब कुश्ती की, फुटबॉल या कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं खेला? ये गेम बढ़िया लगता था और गेम में जैसे टीम होती है तो एक टीम के ऊपर खड़ा होना, एक अकेले अपन पर खड़ा होना तो अलग ही बात होती है। और सबसे अच्छा दाव कौन सा लगता है आपको? अटैक। अटैक में क्या? डबल लेग अटैक। डबल लेग अटैक दिखाओ। दिखाओ, करके दिखाओ। नाम क्या है इसका? दस्ती। दस्ती सही बोल रहे हैं।